समय समय पर डीएम साहब के द्वारा, कुमार साहब के द्वारा, आईजी साहब के द्वारा, कमिश्नर साहब के द्वारा, हमारे द्वारा भी नागरिकों के साथ संवाद किया जाता है। पीस कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। एसपीओ जो कि अलीगढ़ का एक बहुत ही मजबूत इंस्टीट्यूशन है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का पिछले 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, बहुत ही मजबूत इंस्टीट्यूशन है। उनके साथ संवाद होता है, जनप्रतिनिधियों का संवाद होता है, और कुल मिलाकर के सब एक्सरसाइज का पर्पज यही होता है कि नागरिकों में शासन प्रशासन के प्रति एक निष्पक्षता और एक विश्वास का भाव बना रहे। उस भाव को पूरा करने के लिए जो निर्णय हम लोग के होते हैं वो उस भाव को आगे बढ़ाते हैं, और इसके साथ ही पब्लिक के साथ मिलकर के, नागरिकों के साथ मिलकर के शांति व्यवस्था कायम रहे। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज यहाँ पर आया था। आज यहाँ कोतवाली में सभी समुदायों के साथ, सभी समुदाय के लोगों के साथ, एसपीओ के साथ में, सभी के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें पुनः इस बात पर बल दिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अलीगढ़ में आने वाले समय में, जैसे पहले भी होता रहा है, आने वाले समय में भी पूरी शांति कायम रहेगी। उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी आपने कल एक ट्वीट के माध्यम से और संवाद के माध्यम से कप्तान साहब ने दे दी थी। उसमें जो मुकदमे कायम हुए हैं उसमें निष्पक्षता से और कठोरता से कार्रवाई की जाएगी, और किसी को भी ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो शहर की दिशा को खराब करे।